यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एशियन खेलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है। एशिया से बड़ी खबर आपको दे दें कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी हैं और एक मेडल सीधे तौर पर पक्का हो चुका है। तो फाइनल में विनेश फोगाट पहुंच गई है, अगर जीतती है स्वाभाविक तौर पर तो देश को सोना भी लेगा। तो उज्बेकिस्तान की पहलवान को हराकर फाइनल में पहुंची है। उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया गया और फाइनल में जगह पक्की कर ली है विनेश फोगाट ने। देश का एक मेडल भी पक्का कर दिया है। फाइनल में वो पहुंच चुकी हैं और सभी देशवासियों को उनसे उम्मीदें हैं कि वो फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल करेंगी, फाइनल में जीतेंगी वो। आपको बता दें कि इससे पहले रियो ओलंपिक खेलों में हालांकि विनेश घायल हो गई थी, उसके चलते उनका मेडल नहीं आ पाया था, लेकिन फिलहाल उनसे बहुत उम्मीदें हैं पूरे देश को। उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया है सेमीफाइनल में, फाइनल में वो पहुंच गई हैं और एक मेडल सीधे तौर पर पक्का हो गया है। तो विनेश फोगाट के नाम कितनी उपलब्धियां आंखें दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। 2013 में जोहान्सबर्ग में आयोजित कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। नई दिल्ली में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था 2013 में ही। विनेश फोगाट ने 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता था। तो कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्होंने गोल्ड हासिल किया। दोहा में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत अपने नाम किया था। इंचियोन में 2014 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था विनेश फोगाट ने। 2016 में हुए ओलंपिक खेलों में विनेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और बैंकॉक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था 2016 में ही। तो 48 किलो, 51 किलो और 53 किलो भार वर्ग में वो खेलती हैं। 2013 में एक बार फिर से आपको बता दें कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था विनेश फोगाट ने।